हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि माँ जब नाराज हो जाती है तो कैसे मनाएं। क्योंकि नाराज होती है तो मनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ माँ रूठ जाए तो कौन सी साधना करना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो। और वीडियो आप पूरा देखें और लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और जानकारी मिले। क्योंकि माँ की साधना बहुत अच्छी है, साधारण है, और रूठ जाए माँ जब नाराज हो जाए तो बहुत कठिन भी है ये साधना। चलो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। आप किसी भी माँ की सेवा करते हो, जैसे ज्वाला है, दुर्गा है, काली है, वैष्णो है, और कोई भी माँ हो तो उसके नाराज हो जाए तो क्या करना चाहिए। आपको एक नींबू लेना चाहिए और शनिवार को दीपक जलाएं शाम के टाइम, और आप कपूर लें, अगरबत्ती लें, धूप और लौंग लें, और घी में अग्यारी कर कर घी में लौंग लगा कर उस कपूर पर दें और उसी पर नींबू दें। उससे आप माँ से क्षमा मांगें, माँ जो कुछ गलती हो गई हो वो आप मुझे सपने में आकर बताएं, क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, माँ से कभी गलती नहीं होती है। और ये काम शनिवार को कम से कम 5 शनिवार तो करना ही चाहिए, इससे माँ को थोड़ा क्रोध शांत होगा। और दूसरी बात, ये पान का पत्ता दें, मीठा पान का पत्ता लेकर आए, मीठा बनवा कर और माँ को दें। और आप गुलाब के फूल लेके आए, उनके चढ़ावों में गुलाब के फूल रखें, क्योंकि सुगंध खुशबू आने से माँ प्रसन्न होती है। और आप कुछ मीठा ले लें, मिठाइयाँ, उससे भी भोग लगाएं। और भोग लगाते समय भी माँ से क्षमा मांगें और किसी थाली पे रख कर सामने उनके भोग लगाएं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जैसे थैली में लेके आए पॉलिथीन में और उनसे उसमें से निकाल कर उनके सामने रख दिया, तो ऐसे भोजन नहीं कराया जाता, किसी को थाली में ही कराया जाता है। क्योंकि जैसे खाना आप हम खाते हैं उसी तरीके से माँ भी खाना खाती है, क्योंकि जो आप प्रसाद चढ़ाते हो वो माँ का भोजन है, तो उसी हिसाब से आप इज्जत से उनको भोजन कराएं और आगे उनसे क्षमा भी मांगते रहें। जैसे रात को सपने में बताती है कि आपने ये गलती की है, तो उस गलती को सुधारने की आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साधना करते रहें, और आप व्रत रखें। आप किसी भी, जैसे सोमवार है और अपना गुरुवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, और माँ के लिए तो शुक्रवार और शनिवार और सोमवार है,
इस टाइम पे आप व्रत रखें, क्योंकि व्रत रहने से भी माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है और रूठती भी नहीं है, क्योंकि नाराज होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। माँ को नाराज ना करें, और हर शनिवार को आप पान का पत्ता जरूर दें, दो लौंग दें, कपूर दें, धूप अगरबत्ती और एक नींबू दें, तो माँ कैसी भी रूठी होगी वो भी मन जाएगी, ठीक है? आपके ऊपर प्रसन्नता रखेगी, आपको आशीर्वाद देगी, आपके सारे काम बनाएगी। जैसे जैसे आप सेवा करते रहोगे उस हिसाब से माँ आपको आपका साथ देती रहेगी, और माँ का मंत्र भी आप जाप करते रहें, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बच्चे, ओम ह्रीम क्लीम काली चामुंडाय बच्चे। जैसे आप काली की भी सेवा करते हो तो ओम ह्रीम क्लीम काली चामुंडाय बच्चे, काली को भी साथ ले लो। और आप जैसे दुर्गा जी की करते हो तो वो तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः ये मंत्र है उनके। और आप दुर्गा चालीसा भी कर सकते हो, क्योंकि दुर्गा चालीसा भी करना अच्छी बात है, उससे भी माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको सारी बात बताएंगी। और माँ सपने में ही बात बताती है, आपसे सपने में ही बात करेगी। और जैसे जैसे आप सेवा करते रहोगे वैसे वैसे आप बात लेते रहोगे उनसे, कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, तो आप दुर्गा चालीसा करोगे तो उससे हल होती रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है, आप इस बात को करोगे। और मेरा वीडियो आप लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, और सब्सक्राइबर करके बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि मैं कोई भी माँ की जानकारी देता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि माँ की जानकारी हर कोई नहीं देता है। और मैं सच्ची ही बात बताऊँगा, उसमें झूठ का कोई नाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि कई लोग क्या है झूठ भी बोल देते हैं, और उनको तो सिर्फ अपना वीडियो करना है बस, और कुछ नहीं। जय माता।